हमने पता किया कि भाई मैकडॉनल्ड्स आलू कहां से ला रहा है, पता चला कि मैकडॉनल्ड्स आलू अपने गुजरात के किसानों से ला रहा है, गुजरात से आ रहा है। सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर कहां है इस देश में, पता चला सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर गुजरात के अंदर। मैकडॉनल्ड भी घबरा गया, आपकी भाषा, आपकी कल की भाषा सुन के। मैकडॉनल्ड की रात को एक प्रेस स्टेटमेंट आई कि हम सारे आलू देश से लेते हैं, हम गुजरात का किसान हमारे आलू पैदा करता है, मगर जैसे ही वो आलू जमीन से उबल के बाहर निकलता है तो बीजेपी उसको अमेरिका का आलू बता देती है। मैकडॉनल्ड की स्टेटमेंट आई। मैं कहना चाहता हूं मैकडॉनल्ड वालों, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाएं, अंबाला आ जाएं, अंबाला आ जाएं। अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हो, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ। कांग्रेस से दूसरे वक्ता है दीपेंद्र हुड्डा, अंत में उनका नाम जुड़ा। मैं तो बड़े मोह और स्नेह से देख रही थी क्योंकि रिश्ता है प्रदेश का, बहुत मोह और स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए, इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडॉनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। अध्यक्ष जी, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं उगती, 2 फुट की तो लौकी उगाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, ये 2 फुट का आलू उगा के दे रहे हैं, और वो भी मैकडॉनल्ड और पेप्सिको को। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं जो कुतर्क से सारी बातें यहाँ रखती हूँ।